हमारे तीन सवाल हैं सर। पहला सवाल है सर, बरौनी कटिहार रेलखंड पर कोसी नदी के उपसेला में एक रेल पुल बन रहा है, तो उस रेल पुल का सर क्या स्थिति है और कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है खंभा ही धस गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, और इस पुल के पूरा हो जाने से रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि यही एक पुल रह गया है बीच में, काम पूरा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हो गया, आप तीन पूछ रहे थे, और क्या है क्वेश्चन? सवाल है सर, डेडिकेट पिछले दिनों उनकी, यानी 7-8 महीने हो चुके, कुछ जगहें निकली थी, उनको ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिला है, और वो लोग बार बार जो है संपर्क कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिल रहा है और कब ज्वाइनिंग कराई जाएगी, ये DFC का है सर। और एक तीसरा सवाल है, को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, 15 दिसंबर से क्या ये एग्जाम ऑब्जेक्ट होना है या नहीं होना, दूसरा क्या इसके लिए विशेष ट्रेनें शुरू की जाएंगी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो है इसमें अभ्यर्थी होते हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद, आपके तीनों प्रश्न का उत्तर देता हूं। जहां तक कुरुसेलम ब्रिज का सवाल है, काम प्रगति पे चल रहा है, सारे गर्डर लॉन्च हो गए हैं, केवल 3 गर्डर और लॉन्च होने हैं, और ये 3 से 4 महीने का इसमें समय लगेगा, मार्च 21 तक शुरू हो जाएगी। और इसमें जैसा कि आपने कहा कि इसको, मैंने शायद पिछली बार भी इस पर चर्चा हुई थी कि जब ये पुल बन रहा था और ये जब इसकी तो किस एक पिलर में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो समस्या बहुत पहले उसको उसका टेक्निकल सोल्यूशन निकल गया है और काम बिल्कुल ठीक से चल रहा है, और जो 3 गर्डर लॉन्च होने हैं वो लॉन्च हो जाएंगे और मार्च 21 से पहले पहले ये लाइन शुरू हो जाएगी, और जब ये ब्रिज शुरू होगा तो बिल्कुल इस पर फुल स्पीड पे शुरू में 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन चलेगी, और जैसा कि एक प्रोटोकॉल होता है उसके बाद से कुछ दिनों के बाद से उस पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा पे ट्रेन चलेगी। जो आपका दूसरा प्रश्न है DFC के बारे में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया, उनको ज्वाइन नहीं कराया गया है, और जो ये कोविड की स्थिति बनी हुई है उसमें इस समय जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनको हम ट्रेनिंग कैसे दें, उनको कैसे हम इंडक्ट करें वर्क में, इसमें बहुत सारे पहलू कोविड में आ रहे हैं, और अभी हमारे करीब 250 इंडियन रेलवे के ऑफिसर्स को भी ज्वाइन करना था, 12 अक्टूबर की हमारी डेट थी, हमने उस पर बहुत विचार विमर्श किया, एक बार तो हमको ऐसा लगा कि शायद उसको हमको स्थगित करना पड़ेगा, फिर हमने काफ़ी तैयारियां करी उसमें कि कैसे वो लोग अपना कोविड टेस्ट करा के आएंगे, बड़ौदा पहुंचेंगे तो उनके कैसे टेस्ट होंगे, क्या प्रोटोकॉल होंगे, और वो करके हमने 12 अक्टूबर को उनको ज्वाइन करा लिया। ऐसे DFC का जो आपने प्रश्न पूछा है वो कोविड की वजह से डिले हो रहा है, और इस पर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इस कोविड के समय में हम ज्वाइन करा के उनको कैसे ट्रेनिंग दें, उनको कैसे वर्क में इंडक्ट करें, इन सब पे एक विचार चल रहा है, और ऐसा उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में इन लोगों को ज्वाइन करा लिया जाएगा। जहाँ तक NTPC एग्जाम का है, शुरू होंगे इसके लिए पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस समय में हम कैसे इस एग्ज़ाम को कराएं ताकि किसी को स्वास्थ्य के लिए दिक्कत ना हो, उनकी यात्रा भी हमको ऐसे करानी होगी कि जिसमें हम एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रिजर्व कंपार्टमेंट में उनको वहाँ तक लेके जाएं। तो जो हमारी तैयारियाँ हो रही हैं, बिल्कुल 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा, और कोविड को ध्यान में रखते हुए उसका जो शेड्यूल बनाया जा रहा है वो शेड्यूल इस तरह से बनाया जा रहा है कि लोगों को यात्रा करने में और लोगों को एग्जाम देने में जो कोविड के निश्चित प्रोटोकॉल हैं उसको हम फॉलो कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर।